आपकी लातों में दिल लगता, आपकी लातों में दिल लगता, प्लीज शांत 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 चुप रहिए। एक सीएम की पत्नी को डर और सीएम से शिकायत की धमकी के बाद भी कोई असर नहीं। कल अखिलेश भैया आ रहे हैं तब आप बस तुम्हारा ही नाम बताने वाली हो। डिंपल यादव की नाराजगी केवल उनकी जुबान पर ही नहीं चेहरे से भी झलक रही थी। अच्छा कमाल है, मतलब कहाँ से ट्रेनिंग पड़ी है? वेरी बैड, काशिम में नहीं आती, बहुत बुरी बात है। इसी का इन्हीं का नाम दे देना, इन्हीं का नाम मैं कल भैया को बताऊंगी, कल तुमसे मिलेंगे। डिंपल यादव की सुरक्षा उसी समय से खतरे में थी जब वो मंच पर पहुंची। मंच से सटकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, डिंपल बहुत देर तक मंच पर खामोश बैठी रही। आप लोग के मैं हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाइए। आप लोग के मैं हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाइए। शांत रहिए तो इनको भाभी नहीं बोलेंगी। मन से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील जब लंबे समय तक बेअसर रही तो मजबूर होकर डिंपल यादव माइक के पास पहुंची, इस उम्मीद में कि उनको देखकर हंगामा करने वाले शांत हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। चुप रहिए। डिंपल ने मुश्किल से अपना भाषण शुरू किया लेकिन पूरे भाषण के दौरान हंगामा होता रहा। चाहते हैं न जाऊं? आप आपने आप लोगों ने एक लाइन और बोली इधर से तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर शांत, अपना नाम पूछ पूछे कल भैया को बताऊंगी। शांत, एकदम शांत, ओके। और उनके भाषण के बाद जो कुछ हुआ वो तो हैरान कर देने वाला था। सुरक्षा कर्मियों ने मंच से किसी तरह डिंपल को सुरक्षित कार तक पहुंचाया।